Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Kushi Bhatnagar, and today we are going to do a new chapter which is chapter 17.

वी फाइन इट कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं फिजिकली हमें फिट रखते हैं और अगर हम इन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर लें तो हम लोग बहुत ज़्यादा आगे भी जा सकते हैं कि स्पोर्ट्स में हम क्रिकेटर बन सकते हैं फुटबॉलर बन सकते हैं बास्केटबॉल में कुछ अच्छा कर सकते हैं एंड मैनी मोर सो इस चैप्टर में भी हम एक गेम के बारे में पढ़ने वाले हैं विच इज़ अ फुटबॉल फुटबॉल कैसे खेलते हैं फुटबॉल इज प्लेड विद दी हेल्प ऑफ अ फुट जो फुट होती है उसके हेल्प से हम ये गेम खेलते हैं लाइक दिस दैट इज कॉल्ड फुटबॉल ओके सो फुटबॉल में कैसे एक कुछ गर्ल्स ने अपना नाम बनाया दैट इज वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर ओके okay, हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलें बट अगर हमारा नेम उस चीज में फेमस हो जाता है बाय प्लेइंग दैट स्पोर्ट इज अ गुड थिंग राइट अगर हम क्रिकेट खेलते खेलते क्रिकेटर बन जाते हैं या फुटबॉल खेलते खेलते एक फुटबॉलर बन जाते हैं एंड द होल वर्ल्ड नोज योर नेम देन इट इज समथिंग टू यू यूकोर्स एंड योर पेरेंट्स वील वेरी प्राउड टू लिसन थिंग्स सो दो हेयर अबाउट द गेम्स ओके द गेम्स वी

एंड शी जम्पर दिन होती है उसको जम्प करके हट भी कह सकते हैं सो इट्स अ स्मॉल टाइप ऑफ हाउस उसे वो पार करके फ्रॉम द वॉल एंड जम्प ओवर द फुटबॉल कोर्ट फुटबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट So, जो है कैसा होता है जहां पे हम एक गेम खेल सकते हैं so, जो वो गेम होता है उस तरफ वो कूद के चली गई ओके वॉल मेड बाय सोसाइटी फॉर अ गर्ल हु वॉशेस यूटेंसिल्स फॉर लिविंग द जेंडर वॉल हर मदर हैड पुट अप फॉर हर वो वॉल उनने पार करी वो वॉल जो कि लोगों ने रखी थी सोसाइटी ने रखी थी सोसाइटी यानी जो हमारे आसपास पे लोग रहते हैं दैट इज कॉल्ड सोसाइटी तो उनने जो वॉल रखी थी वो उनने पार कर ली दैट वॉल जो थी क्या थी वॉल वो ये सोचते थे लोग क्या सोचते हैं क्योंकि वो एक छोटे से घर में रहती थी एक छोटे से घर की थी अफसाना मंसूरी तो वो क्या करती थी वो लोगों के घर जाके उनके यूटेंसिल्स को वॉश करती थी यानी बर्तन धोने का काम करती थी ओके okay? सो so, वो ये सोचते थे कि जो एक लड़की जो लोगों के घर जाके बर्तन धोती है वो क्या वो गेम बास्केटबॉल खेलेंगी कौन सा गेम बास्केटबॉल? वो खेलेंगी द जेंडर बॉल हर मदर हैड पुट फॉर हर जो उनकी खुद की मदर थी उन्हें बोला था यू आर अ गर्ल तुम्हारा जेंडर क्या है यू आर अ गर्ल यू कैन नॉट प्ले बास्केटबॉल ये गेम किसका है ये गेम तो है बॉयज का यू आर अ गर्ल यू कैन नॉट प्ले दिस गेम टुडे अफसाना हरसेल्फ हैज बिकम अ स्ट्रांग वॉल ऑफ एनबीए दन नागवाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई सो आज वो क्या बन चुकी हैं आज वो खुद ही बन चुकी हैं स्ट्रांग वॉल ऑफ एनबीए एनबीए की एक स्ट्रांग वॉल बन चुकी है जो एक बास्केटबॉल एसोसिएशन है, है कहाँ पे मुंबई में ओके okay? मतलब वो उसमें एक कोच बन चुकी हैं टुडे शी इज द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ पर फाइव अदर गर्ल्स हु हैव कम टू बास्केटबॉल कोर्ट आज वो उन लोगों को स्ट्रेंथ देती है ताकत देती है कि उनको जो और फाइव अदर गर्ल्स आती हैं खेलने विच गेम बास्केटबॉल जो खेलने आती हैं सॉरी वी टॉक्ड अबाउट फुटबॉल अर्लियर दैट इज अ बास्केटबॉल सो जो वो खेलने आती है उन्हें भी वो स्ट्रेंथ देती हैं ंग बिहाइंड द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर एवरीडे लाइफ और जो उनकी रोज की प्रॉब्लम रहती है उनको बोलती है दैट यू फोगेट भूल जाओ डोन्ट थिंक अबाउट द प्रॉब हेयर यू आर टू प्ले यहाँ पे क्यों आई हो खेलने के लिए आई हो सो प्ले द गेम नाइसली एंड स्ट्रेंथफुली ओके देन टूडे शी इज द स्टार ऑफ अ यंग टीम दिस टीम हैज मैनेज टू सरप्राइज सम ऑफ मुंबई क्लब टीम्स With a lot of guts and courage, the team has reached the semi finals of a district level tournament. स्टार ऑफ यंग टीम यंग टीम की क्या है star बन चुकी है नाव दिसमेज टू सर ऑफ द मुंबई टीम मुंबई की क्लब uh, की जो टीम रहती है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहती है टू प्ले एनी ऑफ द गेम सो उनको भी एक टफ कॉम्पिटिशन देती है किसकी टीम अफसाना मंसूरी की जो टीम रहती है वो एक अच्छा खासा टफ कॉम्पिटिशन देती है मुंबई क्लब की भी हर टीम को विथ लॉट ऑफ करेज एंड लॉट ऑफ गर्थ हर एक स्ट्रेंथ के साथ द टीम हैज रीच रीच दी सेमीफाइनल्स हर करेज के साथ गर्ल्स के साथ अब वो टीम कहाँ पहुंच चुकी है वो टीम पहुंच चुकी है सेमीफाइनल्स तक सेमीफाइनल्स यानी जो फाइनल्स के पहले होता है ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट यानी जो भी आप जिस भी जगह पे रहते हो जिस भी सिटी पे रहते हो उस सिटी लेवल का कंपटीशन था वो ओके देन देन We read in the newspaper about Afsana and the Nagpada basketball team ज गर्ल्स एंड इंट्रोड्यूसिंग दम टू यू सो हमने ये टीम के बारे में कहा पढ़ा था इन द न्यूज पेपर सो तभी हमने क्या सोचा कि अफसाना और उनकी टीम से हम कुछ बात करेंगे और आप लोगों से इंट्रोड्यूस करेंगे ओके सो वी टुक द ट्रेन एंड गो ऑफ एट मुंबई छत्रपति शिवाजी towards स्टेशन रेल यानी took रेलवे स्टेशन फ्रॉम minutes वी वॉक टूवर्ड्स दी नागपाड़ा इट so, फिर कहाँ गए जिससे हम उनसे बात कर सकें तो हम गए मुंबई मुंबई कौन से स्टेशन पे छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पे हम उतरे और वहां से हम नागपारा यूनिवर्सिटी एसोसिएशन गए जो नागपाड़ा एसोसिएशन है बास्केटबॉल का वहाँ गए कितना टाइम लगा वहाँ जाने में 20 मिनट्स लगे ओके अदर गर्ल्स ऑफ द नागपा बास्केटबॉल एसोसिएशन वहां पे हम अफसाना से मिले और उनकी टीम से मिले रीड द इंटरव्यू विदर्स फिर क्या इंटरव्यू हुआ हमारे टीम जरीन, खुशनूर एंड आफरीन एट फर्स्ट द गर्ल्स started, they बट वंस not did not stop. So, हम किन किन से मिले अफसाना जरीन खुशनूर एंड आफरीन इन लोगों से हम मिले एंड एट फर्स्ट साइड ऑल द गर्ल्सर वेरी क्वाइट सारी कैसी थी बहुत चुप चाप थी कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था बट वंस दे स्टार्टेड और जैसे ही उनने बोलना स्टार्ट कियान इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम स्टॉप फिर वो क्या रहे थे फिर वो बोलते जा रहे थे जो भी गर्ल्स थी वो बिल्कुल भी रुक नहीं रही थी दे आर सो मच टू टेल सो वो हम अपनी बातें जो थी बताती जा रही थी एंड दे आर नॉट स्टॉपिंग ओके देन जरिन बिगेन मै हाउ इज इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड My brother used to play here. क्या बताया इस ग्राउंड के जस्ट सामने मेरा घर है और मेरा जो ब्रदर है वो यहाँ खेलने आता था आई वुड स्टैंड इन माई बाल्कनी एंड वॉच द्लेस मैं बालकनी में खड़े होके देखती थी कि हाउ द बॉयज प्लेस आई वॉज इन क्लास सेवेंथ एट दाइम वेन एवर द बॉयज प्लेट अ मैच मैनी पीपल केम टू वॉच मैं कब उस टाइम कौन सी क्लास में थी क्लास सेवेंथ में थी

देन ऑन सी ऑल दिस आई विश्ड आई कुड ऑल्सो प्ले वुड आई टू गेट अ चांस टू शो माई टैलेंट और जरीर ने क्या बोला ये सब देखने के बाद आई ऑल्सो फील कि काश मैं भी खेल पाती क्या कभी मुझे चांस मिलेगा अपना टैलेंट शो करने के लिए क्या कभी भी वैन एवर आई गेट द चान्स टू शो माई टैलेंट आई विल शो माई टैलेंट आई आज द कोच बट वॉज अ फ्रेंड ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर सो so, मैंने क्या मैं सोचती थी, थी कि मैं कोच से बात करूं बट मैं डरती थी वाई बिकॉज ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर मेरे फादर के अच्छे दोस्त थे द कोच सेड वाई नॉट इफ यू ब्रिंग सम मोर गर्ल्स यू कैन मेक अ टीम देन आई विल टीच यू तो कोच ने जब पूछा उसने कोच से तो कोच ने क्या रिप्लाई किया कि वाई नॉट तुम भी खेल सकती हो बस कुछ और गर्ल्स को ले आओ और अपनी एक टीम बनाओ और मैं सबको क्या करूंगा सिखाऊंगा आई विल टीच यू ओके okay. सो so, ऐसे क्या हुआ जो कोच थे ही स्टार्टेड टीचिंग टू एवरी गर्ल अबाउट द गेम बास्केट बॉल ही स्टार्टेड टीचिंग ओके सारी गर्ल्स को वो टीच करने लगे देन नाउ देयर इज सम क्वेश्चन आंसर्स इन द मिड ऑफ योर चैप्टर एट पेज नंबर 155 फिफ्टी तो हम फटाफट से वो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं ज देर एनी प्लेस टू प्ले नियर योर हाउस क्या आपके घर के पास कोई प्लेस है जहां पर आप खेल सकते हो लाइक अ ग्राउंड जहां पे आप डिफरेंट गेम्स जो है खेल सकते हो सो यस देर इज अ पार्क नियर माई हाउस विच इज यूज बाई चिल्ड्रेन फॉर प्लेइंग सो एक पार्क है वेयर चिल्ड्रेन यूज टू प्ले देर जहां पर चिल्ड्रेन जो है खेलने आते हैं वेयर चिल्ड्रन यूज विच इज यूज बाई चिल्ड्रेन फॉर प्लेइंग ओके देन So now next question is what do people play? What do people play near your house? What do people play? प्लेस देअर कौन खेलता है और कौन क्या खेलता है कौन खेलता है और कौन क्या खेलता है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस सो आंसर पीपल ऑल ऑफ गेम्स सब तरह के गेम्स खेलते हैं लाइक क्रिकेट बैडमिंटन फुटबॉल कबड्डी खो खो एक्सेट्रा मोस्टली चिल्ड्रन प्ले देयर सो हर तरह के गेम्स खेलते हैं लाइक क्रिकेट बैडमिंटन फुटबॉल कबड्डी खो खो

Do the children of your age also get a chance to play there? क्या आपके एज के चिल्ड्रेन भी खेलते हैं उधर तो यस आप भी तो चिल्ड्रेन है तो चांस टू प्ले देर yes, तो वहां पे भी बच्चे खेलते हैं जो मेरी एज के भी है चिल्ड्रेन ऑफ माई एज ऑल्सो प्ले देर ओके वॉट अदर थिंग्स हैपन एट दिस प्लेस कौन सी और चीज होती है वहां पार्क में सो मेनी अदर थिंग्स हैपन एट दिस प्लेस सम पीपल कम हे फॉर जॉगिंग व योगा मैनी पीपल जस्ट इंजॉय गॉसपिंग इन द पार्क सो बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हैं लाइक like, कुछ लोग जॉगिंग करने के लिए आते हैं कुछ लोग वहाँ पे योगा करने के लिए आते हैं और कुछ लोग तो वहाँ गॉसपिंग यानी बातचीत करने के लिए भी आते हैं सो so, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट और भी चीजें होती हैं जॉगिंग होती है योगा होता है एंड गॉसपिंग भी होती है ओके देन नेक्स्ट So, this is it. We are done with वी आर डन विद द चैप्टर हमने छोटा सा पार्ट आपके चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है अभी काफी कुछ है चैप्टर में स्टडी करने के लिए रीड करने के लिए लर्न करने के लिए और काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम साथ में डिस्कस करेंगे सो वेट टिल देन आई कम बैक टिल देन यू कैन वॉच वीडियोज ऑन मैग्नेट ब्रेन्स बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड फ्री एजुकेशन थैंक यू